हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूँ किरण। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन DIY लेकर के आई हूँ दोस्तों, आपके फेस के लिए, आपके स्किन केयर के लिए। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई भी हो जाता है दोस्तों, और साथ के साथ ही एक चेहरे से चमक गायब हो जाती है। तो वैसे चमक को वापस बरकरार रखने के लिए आज का ये DIY आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आसानी से घर के कुछ सामानों से ही मिला करके ये वाला DIY आप कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों, फ़र्क ज़रूर दिखेगा, आपका चेहरा बिल्कुल खिला खिला चमकता हुआ नज़र आएगा। तो आज के इस वाले DIY को बनाने के लिए सबसे पहला सामग्री आपको चाहिए होगा हल्दी पाउडर, यानी कि टर्मरिक पाउडर। दोस्तों, घर में होता है, किचन में अवेलेबल होता है हमेशा, हर टाइम। और दोस्तों, हल्दी तो है, कहा जाता है गुणों का भंडार होता है, इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों, हमारे स्किन को निखारने में हल्दी बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। अक्सर हल्दी का रस्म होता है शादी ब्याह में, क्यों? क्योंकि इससे हमारा चेहरा निखरा हुआ रहता है, दुल्हा दुल्हन इसे बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए हल्दी का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आज मैं हल्दी ले रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा हल्दी नहीं लेना है आपको, बिल्कुल 1/4 चम्मच से भी बिल्कुल कम लेना है। एक बार के ही उपयोग के लिए बना रही हूँ मैं, और इतना ही लेना है, 1/4 चम्मच से बिल्कुल कम लेना है, ठीक है। और अगली सामग्री आपको चाहिए होगा दही। दही दोस्तों, अक्सर जो है कहा जाता है हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है। अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे भी अपने फेस पे लगाते हो ना, तो ड्राई स्किन जो है बहुत ही बढ़िया लगता है, और साथ के साथ ही आपके स्किन पे एक अलग सी चमक बनी रहती है। तो सर्दियों के मौसम में दही जो है दोस्तों, जमाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दही बहुत ही बढ़िया जो है उपयोग। अगर आपके पास दही नहीं है ना, तो आप इसकी जगह पे मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई भी हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा निखारता है, चमकदार बनाता है, स्किन बहुत ही बढ़िया ग्लो करेगा, बिल्कुल भी ड्राइनेस वाला फीलिंग नहीं देगा। तो आप दही या फिर मलाई कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो दो चीज़ मैंने बताई यहाँ पे, हल्दी और दही। इसके साथ साथ ही तीसरी सामग्री जो मैं ले रही हूँ, ये हमारा है एलोवेरा जेल। यानी कि दोस्तों, एलोवेरा जेल आपको पता है गुणों का भंडार होता है, हर तरह से फ़ायदेमंद होता है। चाहे आप अपने बालों की देखभाल इसे करना चाहते हो, या फिर अपनी स्किन की देखभाल करना चाहते हो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो एलोवेरा जेल दूर करता ही करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एलोवेरा जेल लेना है। मैं तो यहाँ मार्केट वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ये कंपनी भी है, और बहुत ही बढ़िया ट्रांसपेरेंट है, बिना किसी मिलावट के है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जो नॉर्मल जो ओरिजिनल एलोवेरा जेल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, किसी तरह के इसमें कोई सल्फेट नहीं है, कोई फ्रेगनेंस नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल बना हुआ है। इसलिए मैं हमेशा DIYs बनाती हूँ ना, तो ये वाला ही इस्तेमाल करती हूँ। उसके साथ साथ ही अपने फेस के लिए, हेयर के लिए इसको इस्तेमाल करती हूँ। आप नॉर्मल जो पेड़ पौधा वाला एलोवेरा होता है ना, उसका इस्तेमाल करिए, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। उसका भी आप जेल निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। उसका तो और भी फ़ायदा होता है, हमारे मांसों को दूर करता है, हमारे पिंपल्स रिंकल्स को हटा के हमारी स्किन को चमकदार बनाता है दोस्तों। एलोवेरा जेल हमारे स्किन को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। अगर आपके आंखों के नीचे काले घेरे हैं, होंठों को चारों साइड काले घेरे हैं, मांसा है, काली गर्दन है, एलोवेरा जेल यूं आपकी सभी चीज़ों को हटा देता है। तो सभी प्रकार से एलोवेरा जेल फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ साथ ही सर्दियों के मौसम में अगर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हो, तो ड्राइनेस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और उसके साथ साथ ही आपकी स्किन बिल्कुल भी निखरी निखरी रहेगी, किसी तरह का कोई कालापन नहीं नज़र आएगा, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इजी सा DIY है, बहुत ही सिंपल है। एलोवेरा जेल घर में हर कोई लगा के रखता है, अपने गार्डन में ज़रूर रखता है। अगर आपके पास गार्डन में नहीं है, तो एक बार जो मैंने अभी बताया है वो वाला ट्राई ज़रूर करिएगा। मार्केट से आप ले करके हमेशा रखिए, और जब भी आप DIYs बनाना चाहते हैं, उसको बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेने के बाद आपको सभी को मिक्स कर देना है। आपको लग रहा होगा बहुत ही लेंदी वीडियो है, थोड़ा बताना पड़ता है, थोड़ा सा क्या होता है ना, सामने वाले को बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। लेकिन आप जनरली अगर आप घर में बनाते हो ना, तो सिर्फ 2 मिनट में ये DIYs बना करके रेडी कर लोगे।
तो बस बना करके सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको अपने स्किन पेज को 10 से 15 मिनट तक ले करके मसाज देना है दोस्तों। मसाज देने के साथ साथ ही आपके स्किन से जितने भी डेड सेल्स वगैरह है वो तो हटेगा ही हटेगा, उसके साथ साथ ही आपके स्किन में एक अलग सी ग्लो लेकर के आएगा, आपके स्किन से डलनेस ख़त्म कर देगा। डलनेस अक्सर हो जाती है ठंडे के मौसम में, डलनेस हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, तो वो सभी चीज़ें हटा करके आपके स्किन पर एक अलग सी चमक लेके आएगा। आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं वो ख़त्म होगा, आपके होंठों के चारों साइड कालापन है वो ख़त्म होगा दोस्तों, और आपका स्किन में एक अलग सी चमक बनी रहेगी। तो सभी चीज़ें हमने जितनी ली है, हल्दी, दही और हमने एलोवेरा जेल लिया, ये सभी सभी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गुणकारी है, हमारे स्किन को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाता है। तो किसी भी प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बालों के लिए जो एलोवेरा जेल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी आप एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है तो आपके स्किन से जैसे कील मुहासे वगैरह को भी दूर करता है, तो और दही तो है बिल्कुल नेचुरल, जिसको कंडीशनर वाला काम होता है, बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेचुरल कंडीशनर यानी कि बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाता है। उसी प्रकार हमारे स्किन से जो है ड्राइनेस को ख़त्म करके आपके स्किन को एक अलग सा चमक देता है दोस्तों। तो सभी चीज़ें हमने बहुत ही नेचुरल वाला लिया है। ट्राई करिए घर पर बना करके, वीक में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर टाइम मिलता है तो वीक में दो बार भी कर सकते हैं, नुकसान वाला कोई चीज़ नहीं है, सभी चीज़ें फ़ायदे वाली चीज़ ही है। ट्राई ज़रूर करिए दोस्तों, आप एक बार वीक में लगा करके महीना भर ही लगाइए, आपको फ़र्क अपने आप में नज़र आएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा वीडियो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।